बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। जब प्रेगनेंसी रुकती है तो लक्षण तो दिखते ही हैं, जैसे कि अगर आपने सुना होगा मेरे चैनल के माध्यम से ही, तो चक्कर आना, भूख लगना, थकान होना और भी बहुत सारे लक्षण, पेट में गैस ज़्यादा बनना, पेट कड़ा हो जाना, पेट में हल्का कहीं भाई दर्द होता है, आपको पैरों का भारीपन लगना, स्तनों का भारीपन लगना, चेहरे में चेंज आना, हेयर फॉल होना या हेयर ग्रोथ बढ़ जाना, चेहरे की रंगत का चेंज हो जाना, तो ये सारा कुछ जो है प्रेगनेंसी के लक्षण है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि ये दिखने लगा तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेगनेंसी का ही लक्षण है, या फिर कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो कई बार ये भी होता है कि महिलाओं को पीरियड्स के समय भी जो लक्षण दिख रहे हैं उसको वो प्रेगनेंसी मान ले रही हैं, यानी पीरियड आने वाला है, लेकिन उससे पहले कई बार प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखने शुरू हो गए। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। मतलब ऐसा होता है कि पीरियड आने से पहले आपको आभास आएगा कि ये प्रेग्नेंट है, यानी कि प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं। अब इसमें क्या अंतर होता है? इसमें अंतर बहुत ही ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी में और PMS में, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और ये अंतर होता है, जैसे ही आपके पीरियड्स आएंगे या शुरू होने वाले होंगे, 1 से 2 दिन पहले ये प्रेगनेंसी के सारे लक्षण गायब होने शुरू हो जाते हैं। मतलब आपको पहले जो बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, अब धीरे धीरे वो लक्षण कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो झूठे थे, वो बड़गलाने वाले थे, वो भ्रम थे। जो भी सर दर्द जैसा हो रहा था या फिर चक्कर जैसा हो रहा था, थकान जैसा हो रहा था, भूख ज़्यादा लग रही थी, मतलब ये कि ये सारे झूठे जो प्रेगनेंसी के लक्षण थे वो अब 1 से 2 दिन पहले ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही पीरियड आएगा अपने आप गायब हो जाएंगे। तो अब इनमें से लक्षण क्या है? तो ये होता है कि उबकाई जैसा फील हो रहा है लेकिन उल्टी नहीं होगी। अक्सर कई बार अधिकतर मायने में ये देखा गया है कि उल्टी नहीं होती है PMS में, उबकाई जैसा अंदरूनी फील हो रहा है। मेंटली भी ये सारे खेल होते हैं, मतलब मेंटली भी आपको लगता है कि आपको उबकाई जैसा फील हो रहा है लेकिन आपको होता नहीं है। तो इन सब लक्षणों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। PMS में क्या होता है? महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में कई बार बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैंने अपने कमेंट बॉक्स में देखा है कि PMS के लक्षण में बहुत सारी महिलाओं ने ये बोला कि पेट में अत्यधिक दर्द होने लगता है, फिर जांघों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के शुरू के दिन में आपको इतना दर्द नहीं होगा। ये दर्द अगर प्रेगनेंसी में होता है तो या तो ये प्रेगनेंसी को कहीं ना कहीं हार्म कर रही है, क्योंकि इतना दर्द तो प्रेगनेंसी में नहीं होता है कि पेट के निचले हिस्से में या कमर में आपको दर्द अत्यधिक होने लगेगा, बार बार होने लगेगा। ये हेल्दी प्रेगनेंसी की भी कई बार निशानी नहीं होती है, लेकिन अगर होता भी है तो बहुत कम होता है, गैस एसिडिटी के कारण होता है। इतना दर्द नहीं होता है कि पीरियड के क्रैम्पिंग के जैसा आपको कई बार अनुभव होगा। अगर वो हो रहा है तो ये सिर्फ और PMS के सिम्टम्स हैं। कई महिलाओं को ब्रेस्ट में हार्डनेस होती है। अब ये हार्डनेस कई बार क्या होगा कि पीरियड आने से पहले गायब हो जाएगा, बॉडी में जो पेन होगा पीरियड आने से पहले गायब हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की हार्डनेस हो तो ये हार्डनेस और ये सिम्टम्स, ये टेंडरनेस बढ़ता जाएगा। ये 1st 3 मंथ तक ज़्यादा दिखता है ब्रेस्ट टेंडरनेस। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।